क्योंकि डॉक्टर साहब किसी भी दिन नहीं आते हैं, एक भी दिन नहीं आते हैं। बहुत गलत बात है। कर्मचारी राज्य बीमा, पूरा हिंदी में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में तो ESS का फुल फॉर्म बता दो भाई, कम से कम नौकरी कर रहे हो यहाँ पे, खाना पीना खा रहे हो, लिखा होगा बाहर, बाहर से पढ़ के आइए, लिखा होगा। मैं रोज यहाँ पे आऊंगा ऑफिस से। IAS दीपक रावत एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जान रहा है। लाखों चुनौतियां हो उनको हल करके उन्होंने जनता के बीच अपनी छाप छोड़ी है। जी हाँ, IAS दीपक रावत एक ऐसा नाम है जो जनता के बीच जाकर खुद उनकी समस्या हल करते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के IAS अधिकारी दीपक रावत अपने कामों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए जाने जाते हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत समय समय पर आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए जनता दरबार भी लगाते हैं। जनता दरबार हर शनिवार हल्द्वानी कैंप कार्यालय में लगता है, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर IAS दीपक रावत जनता की समस्याओं का निस्तारण खुद मौके पर करते हैं। दीपक रावत जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल एक्शन लेते हैं और इसी वजह से वो एक लोकप्रिय अधिकारी बन चुके हैं। और अब IAS अधिकारी दीपक रावत एक ऐसा एक्शन लेते नजर आ रहे हैं जिसकी हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। जी हां, नैनीताल के ESI के अस्पताल में दीपक रावत अचानक पहुंची, जिसके बाद वहां का माहौल एकदम गंभीर नजर आ रहा था। वहां डॉक्टर भी गायब नजर आए और कर्मचारी अस्पताल का नाम भी नहीं बता पाए, जिसके बाद IAS अधिकारी ने उनसे सारी जानकारी ली, सारा निरीक्षण किया, अटेंडेंस देखी, जिसके बाद फटकार भी लगाई। देखिए, ESI मेनली होता है उन हमारे जो लेबर्स होते हैं, मजदूर भाई बहन होते हैं, जो भी कहीं काम कर रहे हो फैक्ट्री में, लेबर इसमें कंस्ट्रक्शन साइट की भी कवर होती है। नहीं सर, ये वो तो नहीं आते हैं इसमें, जिसने नैनीताल की बात करें तो कहां कहां के लोग यहाँ की सेवाएं निःशुल्क मिलेगी, ये फैसिलिटी होती है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, ओपीडी रजिस्टर दिखाइए। तो डॉक्टर साहब आ ही नहीं रहे हैं। ये है आज कितनी तारीख है, आज का दिखाइए। डॉक्टर साहब किसी भी दिन नहीं आते हैं, एक भी दिन नहीं आते हैं, मतलब ये अप्रैल में एक भी दिन आए थे? कितने दिन? 7 अप्रैल के बाद आए ही नहीं, क्यों? और आपको भी नहीं बताते टीम पानी में, वो इकलौते डॉक्टर है, से कम एक दिन तय करके बाहर लिख दें, ये दिन है तो कुछ भला हो। काम करो, यहाँ पे ना एक नैनीताल में ESI का अस्पताल है, ठीक है, इसके डॉक्टर यहाँ पे मुझे लगता है कि आते होंगे, नहीं आते होंगे, अभी तो नहीं है, ये बता रहे फार्मासिस्ट की कभी आते हैं, कभी बिना बताए नहीं आते हैं। और ये कहते हैं कि ESI का मेन हॉस्पिटल 3 पानी में है, इनके पास अतिरिक्त चार्ज है। तो पहले तो ये बता करो 3 पानी में ये वहाँ पे भी है, ये वहाँ से भी गायब है, 3 पानी में अस्पताल है इनका, एक नंबर वन। सेकेंडली, जब ये मिल जाए तो इनसे ये पूछा जाए कि नैनीताल के लिए कौन सा दिन तय किया इन्होंने, मान लो अगर डबल चार्ज भी है तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक भी दिन नहीं आएंगे। यानी फुल फॉर्म सर, कर्मचारी राज्य बीमा, पूरा हिंदी में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में तो ESS का फुल फॉर्म बता दो भाई, कम से कम नौकरी कर रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, लिखा होगा बाहर, बाहर से पढ़ के आइए। बहुत गलत बात है। अब मैं रोज यहाँ पे आऊंगा ऑफिस से, क्योंकि ये गलत बात है, तब छुट्टी लीजिए। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस डिस्पेंसरी ये है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं है। कितने लोग एबसेंट पाए गए? 3 एबसेंट, और डॉक्टर साहब तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, 4 एबसेंट हैं। अच्छी बात नहीं, उनको बताइए। और अभी इनका आज का वेतन भी काटना ही पड़ेगा, मजबूरी है, और भविष्य में व्यवस्थाएं ठीक करिए।